देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। भिखारियों का स्थायी अड्डा बना यशवंत स्टेडियम। शहर भर में फैले भिखारियों ने अपना अड्डा यशवंत स्टेडियम को बना रखा है। दिन भर चौक चौराहों पर भीख मांगने के बाद ये यशवंत स्टेडियम पहुंचते हैं और अपने अपने आशियाने में लड़ते झगड़ते हुए विश्राम करते हैं। यशवंत स्टेडियम परिसर इन भिखारियों का मुख्य अड्डा बन गया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि पुलिस चौकी पुलिस थाना होने के बाद भी इन भिखारियों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिस और अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। नतीजन चोरी मारामारी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। यशवंत स्टेडियम का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ये दिन भर चूल्हा चौकी करते हैं और रात में जब सब एक जगह जमा होते हैं तो शराब पीकर लड़ाई झगड़े और गाली गलौज से परिसर के लोगों को परेशान करते हैं। सही तौर पर देखा जाए तो हालात बेकाबू हो चुके हैं। प्रशासन को छोड़ सभी इनके रवैये से परेशान हो चुके हैं। पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त से व्यापारी तथा परिसर के लोगों द्वारा कई दफा गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कहीं से भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इन भिखारियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई पब्लिक या दुकानदार इन्हें कुछ कहता है तो भिखारी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इन भिखारियों की वजह से कोरोना का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। भिखारी लोगों के पास आकर उन्हें छूकर भीख मांगते हैं। इन्हें तो कोरोना का कोई भय नहीं है, लेकिन इनके हाथ लगने से लोगों को काफी अधिक परेशानी होती है। पूरा यशवंत स्टेडियम परिसर इनकी जद में आ गया है। पुलिस प्रशासन और मनपा द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से इनके आतंक पर लगाम नहीं लग पा रही है। प्रशासन को चाहिए कि इन पर कार्रवाई कर इन्हें परिसर से दूर किया जाए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।